हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ चार ऐसे प्लेयर के बारे में जो अब टीम इंडिया की जर्सी में नहीं नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बीसीसीआई के रवैये को देखकर तो यही लगता है कि इन खिलाड़ियों का इंडिया के लिए खेलना अब लगभग नामुमकिन है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखो, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हारा भाई ऐसी ही वीडियो बनाता रहे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हिट लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं दुनिया में गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन। जी हाँ दोस्तों, चौंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गब्बर ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी, शायद उस तरह से वो उसे अंत नहीं कर पाएंगे। इनके पास्ट अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स को देखकर तो यही लगता है कि इन्हें कंसिडर कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल हो रहे क्रिकेट के डिमांड्स जो हैं उसमें कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि धवन 37 साल के हो चुके हैं और यंग टैलेंट जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे फ्रेश टैलेंट के होते हुए, मुझे लगता है बीसीसीआई इनको नज़रअंदाज ही करते हुए दिखेगी। अगर इनके लास्ट 10 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को देखा जाए तो ये कुछ खास कर नहीं पाए हैं जो सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचे। और आज के समय में इनके रिप्लेसमेंट के लिए भारतीय टीम में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। तो गाइस, हम लोग गब्बर को सिर्फ एक दो और आईपीएल सीजन में ही खेलते हुए देखेंगे, उसके बाद वो क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट याद नहीं जिसमें गब्बर ने अपनी छाप न छोड़ी हो। लेकिन ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए मेरे दोस्तों, इसलिए चलो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की ओर। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट टीम में चार नंबर पर दीवार की तरह खड़े रहने वाले चेतेश्वर पुजारा के भी क्रिकेटिंग करियर का आखिरी समय आ गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका से होने वाले टेस्ट सीरीज में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। मुझे लगता है बीसीसीआई ये सोच रही होगी कि पुजारा 35 के हो चुके हैं और फील्डिंग में अब वो उतने फुर्तीले नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि जब से इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस में बेसबॉल फॉर्मेट लाया है, तभी से सभी टीमों की रन रेट्स काफ़ी बढ़ गई है और आज के टेस्ट मैच के एक दिन में आसानी से 340-350 रन बन जा रहे हैं। वहीं पुजारा के पिछले 10 इनिंग को देखें तो 10 मैचों के 19 इनिंग में उन्होंने मात्र 475 रन बनाए हैं। लेकिन तुम लोग अगर ध्यान से स्ट्राइक रेट की तरफ देखो तो वो सिर्फ 33.5 की है। तो पुजारा के टीम में रहते इंडिया हारेगी नहीं, लेकिन अगर एक दिन में 350 रन चेज करना होगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बीसीसीआई नए फ्रेश टैलेंट के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे मौके भी आए हैं जब पुजारा ने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है, जिसके कुछ एग्जांपल्स तुम लोग को स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे। भले ही सेलेक्टर्स पुजारा को भूल गए हों, लेकिन हमें उनके बहुमूल्य प्रदर्शन को नहीं भूलना चाहिए, और इसलिए पुजारा एक लेजेंड क्रिकेटर हैं और हमेशा रहेंगे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं कभी इंडिया टीम के कप्तान रह चुके अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, अब अजिंक्य रहाणे का भी टीम इंडिया में वापस आना लगभग असंभव है। अजिंक्य रहाणे के बाहर जाने का कारण मैं बताता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहला कारण है उनका फॉर्म। उनके पिछले 2 साल के स्टैट को अगर हम देखें तो टेस्ट में 27, ओडीआई में 25 और टी20 में 23 के औसत से रन बनाए हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उन्होंने 2021 से एक भी सेंचुरी तक नहीं लगाई और उनका मॉडर्न क्रिकेट को अडेप्ट नहीं कर पाना भी एक रीज़न है। आज के प्लेयर तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। वहीं रहाणे की बात करें तो वो सिर्फ टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। ऐसे में सेलेक्टर यंग फ्रेश को चांस दे रही है और साउथ अफ्रीका से होने वाले टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे का नाम ड्रॉप करके श्रेयस अय्यर को मौका मिला है। चूँकि इन्होंने ज़्यादातर 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी की है, तो इनके जगह पर श्रेयस अय्यर या केएल राहुल को बैटिंग कराई जा सकती है। लेकिन हमें गाबा का वो मैच नहीं भूलना चाहिए जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 32 सालों के बाद हराया था और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। उस मैच की कप्तानी रहाणे ने ही की थी। और भी कई बार उन्होंने टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है, जो तुम्हारे स्क्रीन पर इस समय दिख रही है। इसलिए भले ही आज शेर बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो फिर भी शेर ही रहेगा। तो गाइस, अगर यहाँ तक तुम लोगों ने मेरे वीडियो को देख लिया है तो
वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं आगे। तो गाइज, वो समय आ गया है जिसका इंतज़ार तुम लोग वीडियो स्टार्ट होने के समय से कर रहे हो। तो इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है भुवनेश्वर कुमार का। जी हाँ दोस्तों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो कभी स्विंकिंग के नाम से मशहूर हुआ करता था, आज उसका भी करियर खतरे में है। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर के पहले ही गेंद पर बोल्ड मारी थी, और वो भी सिर्फ वनडे में नहीं बल्कि टेस्ट और T20 में भी। तुम लोग को बता दें कि जब भुवी फर्स्ट क्लास खेल रहे थे तब उन्होंने द ग्रेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर को भी जीरो पर बोल्ड किया था। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इनसे अच्छा गेंदबाज डेथ ओवर में कहीं नहीं मिलेगा, और पिछले कुछ सालों से इन्होंने IPL में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और पिछले साल ख़त्म हुए एशिया कप में तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, जिससे साबित होता है कि उनमें भी काफ़ी क्रिकेट बाकी है। लेकिन इन सब के बावजूद BCCI इन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है, और सच बताओ दोस्तों, मैं भी इन्हें नीली जर्सी में वापस खेलते हुए देखना चाहता हूँ। 2024 में होने वाले IPL इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और अगर वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए तो शायद उन्हें मौका भी मिल जाए। तुम लोगों की क्या राय है दोस्तों? तुम्हें इनमें से किसके टीम से बाहर जाने पर सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, और तुम्हारे हिसाब से इनमें से किसके खेलने की थोड़ी भी संभावना बची हुई है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि BCCI तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।